दोस्तों मेरे सामने डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनको पिछले 5 साल में 9 किलो वजन घट गया, 49 साल की उम्र, उनका वेट करीब 56 किलो है, साथ बहुत कमजोरी लगती है, चक्कर आता है। आज मैं बताऊंगा कि ऐसे मरीज को डायबिटीज कैसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कमजोरी दूर करना चाहिए और उनको गोली लेना चाहिए या इंसुलिन लेना चाहिए। और कमजोरी है, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, और पसीने पूरे शरीर में आ जाते हैं। तो कुछ टेंस भी हो क्या, परेशान हो क्या किसी बात के लिए? परेशानी कभी कभी लगता है कि हम अपने आप में सोचते हैं दिमाग में कोई चीज़ और उल्टा हो जाता है, इसलिए घबराहट सी होने लगती है। उल्टा क्या, कि बिजली उल्टा काम करती है? नहीं, कभी सोचते हैं कोई काम करने के लिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन हो जाता है। अक्सर सारी बीमारी जो मर्द बीमारी सारी औरतों में होती है, जिसको औरत अच्छी से सारे दुख दूर रहते हैं। नहीं, औरतें बच्चे सब ठीक हैं। हाँ। कोई काम जैसे करने जाते हैं वो काम नहीं हो पाता है। जैसे काम वगैरह में कोई, हम जैसे कोई टेंडर डालते हैं या टेंडर फेल हो जाता है या किसी से बात करने में वो फेल हो गया। तो देखो सुन लो, जो काफी उम्मीद लगा के रखते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी है और जो वजन घटना है वो शुगर की वजह से हो रहा है, ठीक है? तुम्हारा शुगर 310 आ रहा अभी रैंडम, तुम खाते पीते कम हो, तुम्हारे अंदर भी गोली शुगर गोली कितनी खा रहे तुम अभी? शुगर गोली खा रहे तुम, डेढ़ ग्लाइजन सुबह डेढ़ शाम 3 गोली, इसके बाद मेट हो गया 3 गोली। अब बताओ तुम इंसुलिन लोगे गोली लोगे क्या लोगे? नहीं, इंसुलिन नहीं लेना, अभी तक लिया नहीं, नहीं हो जाते हैं दवाई में कंट्रोल। तुम समझ नहीं पा रहे, ये गल रहा है, ये आदमी हाई शुगर से गल रहा है शरीर का, इसको इंसुलिन चाहिए अभी। हाथ दिखाओ, खोलो मेरा हाथ, शरीर देखो, शरीर क्या हो गया, शरीर क्या हो गया, शुरू से पतला थे पर, और 9 किलो घट गया, ये गल गया है शरीर, 5 साल के, हाँ पूरा शरीर का गल गया है, समझे? इसको इंसुलिन चाहिए, अगर नहीं बोले गोली लिख दूंगा मैं, शुगर भी ठीक हो जाएगी लेकिन न मसल बनेगी। ये सारे सुन लो, जब शरीर कमजोर होगा तो शक्ति थकान रहेगी, घबराहट रहेगी, काम भी अच्छा नहीं कर पाओगे, तो इसलिए दिक्कत आती रहेगी। इसकी जो कमजोरी और वजन घटना शुगर से हो रहा है, प्लस जो घबराहट है वो टेंशन है, थोड़ा हाई शुगर का टेंशन, थोड़ा काम अच्छा ना होने का टेंशन, दोनों जब जब टेंशन तो घबराहट हो जाती है। इसको इसको इंसुलिन चाहिए, एक टाइम इंसुलिन चाहिए इसको। इंसुलिन आजकल हर तरह आता है कि बहुत पता भी चलता लग जाता है, इसका शरीर गल रहा जान लो, ये हाई शुगर को नुकसान पहुंचा देगा। शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है, तो इसलिए शरीर शक्ति, देखो यहाँ पाँव, देखो बेटा पाँव फोकस करो, जरा इधर पाँव पर फोकस करो, इधर करो पाँव पे, देखो देखो कितने पतले पाँव हो गए, देख रहे हो कितने पतले पाँव हैं, देखो और पतले हो गए भी, पहले से मांसपेशी कम थी, हाई शुगर और शरीर गल गया और कमजोर हो गया, और पहले तो हट्टा कट्टा होता, ऐसे में 8-9 किलो कम हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले से गला हुआ था, पहले से गले हुए थे और कम हो गए, समझे? ये चक्कर है, इसको इंसुलिन चाहिए, समझो चाहिए तो रेगुलर के लिए, तो 3 महीने के लिए कम से कम, 3 महीने इंसुलिन लोगे, 3 महीने कितने दिन तक लेना पड़ता? एक डेढ़ लगता है, 3 महीने लगता है उसका, देखो इतना छोटा सुई होता है, देखो अब तो दिखाता हूँ इस सुई के बारे में, ये खाली से कोई है नहीं, कुछ नहीं भैया, ये नया तुम्हें खोला, नया नील खोला, नया खोला, ठीक है? ये देखो ऐसे करके, देखो नदी नदी लाओ, नदी लाओ बेटा, देखो ऐसे लग गया, इधर एक और लगाता हूँ, देखो इधर इधर को बेटा, देखो इधर और चुबा रहा हूँ बस, अब इधर करो, तो मैंने तो 2 बार सुई चुभाया, चुभाया ना, अब इसे बोलो जरा, इधर में कम हुआ, इधर में ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा? मतलब जैसे नहीं, अब नहीं कम हो रहा है, इधर में कम हो रहा है, इधर बिल्कुल नहीं हुआ, समझो तू ऐसे कहता ना, तो आप जान लो दर्द नहीं होता है,
आप लोग क्या है इंसुलिन के डर के मारे इंसुलिन इंजेक्शन लेते हो, फोकस करो, शुगर बढ़ा रहता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दस हो रहा है? नहीं अभी कम हो गया। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, समझो इंसुलिन मत डरो, इंसुलिन लो, शुगर ठीक होगा, पूरी दुनिया रहती है। एक चीज ठान लो, शुगर कंट्रोल चाहिए। ये बताओ वेट वापस तो 65 हो जाएगा, हाँ। दो तीन महीने फिर गोली कर देंगे हम, वादा है। जब भी इंसुलिन बंद करेंगे, ये वादा है मेरा, अब ये इंसुलिन देंगे तो अगर इंसुलिन में रेस्ट मिलेगा, बॉडी इसको रिपेयर करेगी, और जब रिपेयर करेगी तो कुछ दिन बाद इंसुलिन इससे बेटर काम करेगा, समझ गए? तो देखो एक तो शुगर दवा लिखूंगा तुम्हें गोली, एक इंसुलिन लिखूंगा, एक ताकत दवा लिखूंगा, एक मन को थोड़ा स्ट्रेस कम कर दवा लिखूंगा, ठीक हो जाएगा, समझ गए? देखिए चक्कर जो आता है ये शुगर की वजह से आता है। चक्कर हाई शुगर से आता है, टेंशन में आता है, ये चक्कर एक और बीमारी तो वर्टिगो, हाँ शुगर बढ़ जाता है, उसे भी आती है। मतलब टेंशन तो बिल्कुल अब छोड़ दिया हूँ, हाँ अभी एक हफ्ते से टेंशन खत्म कर दिया तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो शुगर भी थोड़ा कंट्रोल, बिल्कुल काम धंधा के विषय में सोचते ही नहीं, बोलो बिल्कुल काम धंधा के विषय में नहीं सोचते, तो चक्कर बिल्कुल कम हो गया है। चक्कर किसे था? टेंशन से, हाँ समझे, हर बीमारी का टेंशन, टेंशन सबकी माँ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह सीखा आपने कि अगर आपको कमजोरी है, वजन घट रहा, बहुत थकान लग रही है, वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आपकी बॉडी इंसुलिन बहुत कम बन रहा, आपका शरीर गल रहा शुगर हाई से, प्लीज़ इंसुलिन स्टार्ट करें। अभी तबीयत ठीक है दो तीन दिन बाद फिर गोली ट्राई कर लें। इंसुलिन दर्द ज़्यादा नहीं होता, नहीं दर्द हुआ ना? नहीं कम हुआ, इधर में थोड़ा ज़्यादा हुआ, इधर में कम हुआ। वो तो मैं ऐसे किया था ना, हाँ।